बड़ी खबर सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले मामले को लेकर है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों विकास और सागर को बंदूकों की सप्लाई करने वाले दो लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों वही हैं जिन्होंने एक्टर के घर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को हथियार दिए थे। जानकारी के लिए बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस फायरिंग के मामले में इनकी भूमिका की जाँच कर रही है। इसके अलावा पहले से ही फायरिंग मामले की जांच एनएसआई कर रही है। वहीं आरोपियों सागर और विकास को हिरासत में लेकर 29 अप्रैल तक इनसे पूछताछ की जानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ये बड़ा खुलासा किया। सोनू सुभाष चंद्र और अनुज थापन नाम के दो लोगों ने शूटर सागर और विकास को बंदूकें सप्लाई की थी। साथ ही सलमान के घर फायरिंग की भी इन्होंने प्लानिंग की थी। दोनों ही बिश्नोई गैंग के संपर्क में थे। मामले में बता दें कि इससे पहले बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। सलमान खान के घर में भी डर का माहौल बन गया, मगर इसके ठीक बाद सलमान खान के पोस्ट ने फैंस को राहत की सांस दी, जिसमें वे दुबई में नजर आए थे। एक्टर इस पोस्ट में एक शख्स के साथ नजर आ रहे थे जो उस इवेंट का मैनेजर था जिस इवेंट में सलमान खान गए थे। लेकिन मामले में तो बड़ा अपडेट इसी बात को लेकर है कि सलमान खान के घर फायरिंग में जिन लोगों का हाथ था, फायरिंग के लिए बंदूक सप्लाई करने वाले लोग गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों जिनका नाम विकास और सागर बताया जा रहा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। विकास और सागर वही लोग हैं जिन्होंने एक्टर के घर फायरिंग करने वाले लोगों को हथियार सौंप दिए थे। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।